इस दुनिया में बहुत सारे वंडर्स हैं। ऐसा ही एक वंडर आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ। उस गांव में किसी को भी बच्चा नहीं हो रहा था। लोगों ने इसके लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे समय में उस गांव में एक डॉक्टर आया। जब उसने इसकी वजह जानना चाही तो उसे पता चला कि गांव के मर्दों में वीर्य कण यानी शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है। उसने मर्दों को दवा देकर उन्हें बाप बनने लायक बनाया। तब से वो डॉक्टर गांव वालों की नजरों में भगवान जैसा बन गया। लेकिन उस डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी एक जोड़ी को बच्चा नहीं हुआ। ज्योति जी, कहिए। मैं अर्जेंटली काम से मुंबई जा रहा हूँ। ओके, वापस कब आएंगे? 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा, और मुंबई तो जा रहा हूँ। कुछ भी अर्जेंट हो तो मुझे फोन कर लेना। ओके, चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे सुनो, वो जो लिफ्ट मांग रहा है ना, गाड़ी उसके पास ले जाकर रुको। कहाँ तक जाना है? सर यही पास में, वो सोने की दुकान है ना, वहीं पर। क्या बेचने जा रहे हो? खरीदने की तो उम्र तुम्हारी है नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या बेचने जा रहे हो। वो ये सर। अच्छा, रिंग गर्लफ्रेंड के लिए? नहीं, ना? नहीं, ऐसा नहीं है सर, मेरा फ्रेंड हॉस्पिटल में है ना, इसलिए। क्यों, उसका बाप नहीं है क्या? एक्चुअली उसका बाप भी हॉस्पिटल में है सर, इसलिए तुम अपने रिंग बेच रहे हो। हाँ सर, हाँ सर, वो क्या है कि दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है सर। ओके, तो घर में क्या बताओगे? एक झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच सकती है तो बोल दूंगा कि गुम हो गई। क्या सही बात कही है। फ्रेंडशिप के लिए इतनी बड़ी मदद, तुम एक काम करो, ये लो मेरी तरफ से रख लो। अरे नहीं नहीं सर, जरूरत नहीं है सर। बोल रहा हूँ ना, रख लो। नहीं प्लीज सर, रहने दीजिए। बोल रहा हूँ ना, रख लो चुपचाप। सर सर, यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर रुक दीजिए। यहीं पर रुक दो जरा, यहीं पर रुक दीजिए सर। लेकिन तुम यहाँ से कैसे जाओगे? हॉस्पिटल जाना ना तुम्हें तो। सर मैं मैनेज कर लूंगा सर, यही उतरता हूँ। ठीक है सर, चलो। The number you're trying to reach is currently switched. Hey, Bhagwan. Currently switched off. Not reaching. क्या करूँ अब?
जल्दी चलो जल्दी। काका घबराइए मत, बात क्या है वो बताइए। ये देखिए साहब, ये किसकी फोटो है? मेरे बेटे की है सर। ये फोटो आपके फोन पे किसने भेजा है? मेरे बहू के फोन से आई है सर। आपके बेटे और बहू के बीच में कोई झगड़ा था? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ठीक है चलिए। कार्तिक सर तोड़ दो इसे। यस सर। कांस्टेबल लाइट्स ऑन करो। इसी फोन से आपके फोन पे फोटो आया था। कार्तिक सर क्लूज टीम को फोन करके फिंगरप्रिंट्स का पता लगाओ। ओके सर। सर ज्योति अगर कातिल है तो भला वो अपना फोन और गन यहाँ क्यों छोड़कर जाएगी? हम कोई क्लू छोड़ नहीं सकते, शायद हमें मिसगाइड करने के लिए फोन किया होगा। जी सर। बहुत से लोग गलती करके भागने की कोशिश में पकड़े जाते हैं, मगर ये मामला कुछ अलग है। बहुत ही दिमाग लगा के प्लान बनाया है। किसी ने भी किया हो सर, जान तो मेरे बच्चे की गई ना। वो लोग कोई भी हो उन्हें सजा दिला दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जरूर काका। चलिए कार्तिक उस लड़की को पकड़ के पुलिस स्टेशन लाओ। ठीक है सर। चाय कॉफी कुछ पियोगी? आदत नहीं है सर। डेड बॉडी कहाँ है? बताओ बताओ बताओ। सर मेरे पति बहुत अच्छे आदमी थे सर। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो ताला लगे घर में गन कहाँ से आई? तुम्हारे फोन से फोटोज कौन भेज सकता है बताओ? प्यारे पति देव, प्यार अलग अलग तरीकों से होता है। मेरे प्यार की समाधि बनाकर उस समाधि पर हमारी शादी करवाने वाले हमारे माता पिता के प्यार से मुझे समझ में आ गया। जिससे मैंने प्यार किया था मैं उसे भूल नहीं पा रही, और आपसे शादी करके धोखा भी नहीं दे पा रही। तड़प रही हूँ, जानती हूँ ये गलत है, फिर भी मजबूरी में मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे माफ कीजिएगा। मैं लेटर वहाँ पर रख कर निकलने ही वाली थी सर, तभी मैं अपना फ़ोन ढूँढने लगी। मुझे फ़ोन नहीं मिला। मैंने देखा कि मेरे पति का फ़ोन तो वहीं चार्ज पर लगा हुआ है। ज्योति जो कुछ भी कह रही है ये सच है या झूठ, ये जानने के लिए इसके ससुर के फोन पर जिस टाइम पर फोटोज आए उसका जीपीएस ट्रैक निकालना जरूरी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब तुम लोग विश्वनाथ के घर गए थे वहाँ विश्वनाथ की जगह ज्योति का फोन मिला था ना? हाँ सर। सर मगर ज्योति के फोन पे और ताले पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो ज्योति के ही है सर। और गन पर? गन पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है सर, मगर गन और ताले के ऊपर जो ब्लड के मार्क्स हैं वो एक ही आदमी के हैं सर। ब्लड मार्क्स का पता लगाने के लिए विश्वनाथ की बॉडी को ढूंढना होगा, सही है ना? हाँ सर। ये मर्डर ज्योति ने किया है या नहीं ये जानने के लिए जीपीएस ट्रैक करना जरूरी है। लेट्स डू दैट विष्णु। यस सर। कैरी ऑन।
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप? आपके फादर के फंक्शन में जो कैटरिंग हुई थी उसका बिल लाया हूँ मैडम। ओ ओके, अभी लाती हूँ। ओके मैडम। हेलो, पुलिस स्टेशन। अच्छा, तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? मेरे पापा ने दिए थे। इतने पैसे अगर पहले ही बता दिया होता तो एटलीस्ट बैंक में डिपॉजिट करके जाते थे ना। किसे पता था कि ऐसा होगा। उस कबर्ड में थे सर। क्या तुम्हारे पास कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज है? चलिए सर, मैं बताती हूँ। अच्छा बेटी, पैसे चोरी होने से पहले क्या क्या घटनाएं हुई थीं तुम बता सकती हो क्या? बताती हूँ सर। भाई, ये लोग फ्रेंड्स हैं या लवर्स हैं? उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों मुझे लवर्स ही लग रहे हैं। सही कहा भाई। वैसे चाहे फ्रेंडशिप हो या प्यार हो, मेरी बेटी सब कुछ अच्छे से निभाती है। भाई, फ्रेंडशिप या लव है ये जाना जरूरी है ना। ठीक है, चल। ठीक है भाई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। जिन लोगों से प्यार करती हूँ उनमें से तुम भी एक हो। हमारा प्यार जिंदगी भर चलेगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगी और हमें अलग होना पड़ेगा, इसका फैसला तो मेरे पापा ही ले सकते हैं। ओह, तो तुम्हें जिनसे प्यार है उनमें तुम्हारे पिताजी सबसे पहले स्थान पर हैं। यस। अपनी माँ का प्यार तो मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन पापा ने मुझे जिंदगी में कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हारे पिताजी हमारे प्यार को मानेंगे ना? सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो ना नहीं कहेंगे। Hey!
बेटी डिंपल, क्या हुआ बेटी? पापा, पता नहीं कौन थे वो। तुम लोग एक बच्चे को नहीं मार पाए। तुम घबराओ मत। एक मिनट बेटी, तेरी बेटी को किसी ने बचा लिया बे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। तू अगर ये सब कर सकता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अच्छे से पता है। फोन रख। तुम ठीक हो? अरे तुम घबराओ मत। थैंक्स बेटा। अरे अरे कोई बात नहीं सर। भाई इनकी जोड़ी तो परफेक्ट है, इनकी शादी करवाने का समय आ गया है। सही कहा तूने, मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। थैंक यू पापा। मैं अपनी बेटी को फोन करता हूँ, उसे सब बताना पड़ेगा। So you're trying to reach is currently busy. To leave a voice message, just dial
बेटी जरा अपने वकील को फोन लगा कर दो बेटी। लीजिए पापा। वकील साहब। बोलिए सर। आपने हमेशा मेरी बहुत मदद की है और मैं आपको बिना कुछ दिए जा रहा हूँ वकील साहब। अरे आप ऐसी क्यों बात करें सर? मैं जमीन के पेपर अपनी बेटी के हाथों भेज रहा हूँ। सर आप मुझे भेजेंगे फिर मैं वहाँ भेजूंगा, इससे अच्छा तो आप वहाँ डायरेक्ट भेज दीजिए। उस सद्दाम की जगह पे बेटी को भेजना सेफ नहीं है, बहुत रिस्की है सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये काम आप ही करो। ठीक है एक काम कीजिए, आप ये डिम्पल को दे दीजिए, मैं उसके साथ फोन पे टच में रहूंगा। थैंक यू सर। बेटी ये पेपर्स वकील साहब को देकर आओ। ठीक है पापा। संभाल कर जाना बेटी, अपना ख्याल रखना। आती हूं। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके पास ही आने वाला था, एक अर्जेंट कॉल आ गई तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। ओके, तुमने अर्जेंट बोला है तो कितना अर्जेंट होगा मैं समझ सकता हूँ। हाँ सर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काम होती मैं डायरेक्ट आपके पास आ जाऊंगा। ओके ओके, बहुत जल्दी आता हूँ सर आपके पास। थैंक यू। कैसी हो डिम्पल? पता नहीं किस वक्त क्या हो जाएगा, इसी टेंशन में जी रही हूँ। क्यों टेंशन ले रही हो, हम लोग है ना। लाओ ये दो, तुम यही रुकना मैं अभी आता हूँ। पिताजी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम यहीं रुकना। चीयर्स। उसको हॉस्पिटल भेजने की खुशी में दारू तो बहुत टेस्टी लग रही है बेबी। जमीन के पेपर्स आ गए तो और मजा आ जाएगा। भाई आ गया। आइए वकील साहब। बैठिए। राजेंद्र की जमीन के कागजात। वकील साहब इतने दिनों तक कोर्ट का चक्कर काट काट के पैसे बर्बाद कर दिए तुम्हारे क्लाइंट राजेंद्र ने। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ बोला तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, आखिर लौट के मेरे पास ही आए ना, फिर अब क्या हो गया? राजेंद्र की वहाँ हालत बहुत खराब है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है तो ये लेकर मुझे पैसे दे दो। बैग लेके आ। ठीक है भाई। ये क्या वकील, ऐसे चले जाओगे? कम से कम बाय तो करो। तुम्हारी वजह से कितने लोगों को तकलीफ पहुंची तुम्हें नहीं पता, लेकिन राजेंद्र के परिवार को कितनी तकलीफ पहुंची ये जानकर तुम्हें मारने का मन करता है। वो जगह जब उसने खरीदी थी तब कीमत 10 करोड़ थी, लेकिन अभी उसकी कीमत 50 करोड़ है। जिस कीमत पे खरीदी थी उसी कीमत पे बेचने के लिए बोला तो कमीने ने मना कर दिया, होशियारी झाड़ रहा था। Oh,
ये लो पैसे, ले जाकर पापा को दे देना। मैं जज के पास जाकर वहाँ का काम निपटा के आता हूँ। ओके, संभाल कर ले जाना पूरी होशियारी से। आप कैसे हैं? क्रिटिकल ही है मैडम। पैसे ले आई पापा। इस बैग में 10 करोड़ हैं बेटी, इसमें से 5 करोड़ जहां पर मेरी परवरिश हुई और मैं एक पुलिस ऑफिसर बना। बेटी तुम उसी अनाथ आश्रम में दे देना और बाकी के 5 करोड़ अपने पास रख लेना। ठीक है पापा। खुश रहो बेटा। तो इन पैसों के बारे में लॉयर विश्वनाथ को ही पता है। यस सर। पर ऐसा लगता है कि ये चोरी तुम्हारे राजमंडरी जाने के बाद नहीं हुई है, बल्कि उसके 2 दिन पहले हुई है, वो भी रात को 8 बजे। व्हाट? तुम्हारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग यही बता रही है। अच्छा, उस दिन उस टाइम पर तुम लोग कहाँ थे? मैं और गौतम 8 बजे घर से निकले और 11 बजे वापस आए थे। और चोरी इसी बीच हुई है। ये विश्वनाथ कैसा आदमी है? हमारी फैमिली से पुरानी जान पहचान है, हमेशा वफादार रहे हैं। तुम लोगों ने पैसों को अलमारी में रखने के बाद उन्हें बीच में खोलकर देखा था? नहीं सर। सीसीटीवी कैमरा पर टॉर्च लाइट मार कर चोरी की गई है, इसका मतलब ये चोर पक्का प्रोफेशनल है। आई एम श्योर ऐसा पहले भी कहीं हो चुका है। चोर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, डोंट वरी। तुम कंप्लेंट लिखवा दो। तुम्हारे पापा के किलर सद्दाम का क्या करना है मैं जानता हूं। उस सद्दाम के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं करना, वो एक जानवर है। आई एम सॉरी सर। इस तरह के गुंडों का मनोबल तुम जैसे लोगों की वजह से ही बढ़ता है। हम जब तक डरते रहते हैं तब तक सामने वाला हमें डराता ही है। शर्म आ रही है कि तुम एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की बेटी हो। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विष्णु, आओ बैठो। सर, ज्योति के फोन को हमने जीपीएस ट्रैक पे डाल दिया सर। गुड। टेल मी समथिंग विष्णु, काका के फोन में जो फोटो आई थी उस वक्त ज्योति का फोन कहाँ था? भूत बंगले के पास था सर। भूत बंगला क्या? यस सर। हेलो जी, ठीक है सर। भूत बंगले के पास विश्वनाथ की डेड बॉडी मिली है सर। वहां जाओ और मुझे अपडेट करो सर। सर इस तरफ। विश्वनाथ को तो पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया है। यस सर। ऐसा लगता है कि विश्वनाथ और कातिल के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ होगा।
मुंबई जाने वाला विश्वनाथ यहाँ क्यों आया समझ में नहीं आ रहा है। विश्वनाथ को देख के लगता है कि ये किसी से झगड़ा नहीं कर सकता है। विश्वनाथ की वाइफ का लवर, उसने क्या होगा? अब तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा कि वो 10 करोड़ वापस मिलेंगे। तुम्हें बेकार में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, तो चोर मिल जाएगा। डोंट वरी। पापा की आखिरी इच्छा पूरी करनी है तो आश्रम को 5 करोड़ देने जरूरी है। हाँ। गांव की हमारी जमीन बेच देंगे। तुम अपनी जमीन बेच दोगे? हम दोनों अब शादी तो करने ही वाले हैं। पूरी प्रॉपर्टी तो अपनी ही होगी ना, चाहे तुम्हारी हो या मेरी, दोनों बातें तो एक ही है ना। भूत बंगले के पास मिले सबूत को देखा जाए तो कुछ अजीब सा लग रहा है सर। समझ। विश्वनाथ का किलर उसकी इंडेक्स फिंगर काट के ले गया, यही ना? यस सर। हमारे हाथ जो क्लूज लगे हैं उसमें विश्वनाथ की बॉडी में एक बुलेट और जमीन के अंदर धंसा हुआ एक बुलेट मिला है सर। विष्णु, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जिसने विश्वनाथ को मारा उसे उंगली की क्या जरूरत थी? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। और डेड बॉडी के पास एक इंटरेस्टिंग एविडेंस भी मिला है सर। व्हाट्स दैट? डेड बॉडी के बगल में ये फटा हुआ 500 का नोट मिला है सर। डिंपल। यस सर। क्या उस बैग में यही 500 का नोट था? सिर्फ 2000 के नोट्स थे सर। 500 का कटा हुआ नोट मिला है तो हवाला का मामला तो नहीं? अगर हवाला हुआ होगा तो उसका फिंगर से क्या मतलब? एक्चुअली यू आर राइट विष्णु, कहानी कुछ और ही लगती है। डेड बॉडी के 100 मीटर की दूरी पे 3-4 लोग बैठ के दारू पी रहे थे। उनका इस मर्डर में कोई कनेक्शन है या नहीं इसका पता लगाने के लिए बॉटल पर मिले फिंगरप्रिंट्स को आधार कार्ड से लिंक करके देखो। फोटो एड्रेस के साथ सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। डू दैट विष्णु। ओके सर। अरे चूड़ी, हाय रे मेरी चूड़ी खनक गई, हाय रे मेरी चूड़ी। Come on, pick, pick. हाँ भैया बोलो। ए, तू जहाँ पर भी है जिस हालत में इमीडिएटली यहाँ पर आ जा, समझ गया ना? ठीक है भाई, मैं भी आता हूँ। हैप्पी मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, आपसे अर्जेंटली मिलना चाहता हूँ। आप पुलिस स्टेशन में हैं क्या? बहुत अर्जेंट है क्या? यस सर, बहुत अर्जेंट है। पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके सर, मैं आ रहा हूँ। सर, विश्वनाथ के डेड बॉडी के पास मिले हुए उन 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स और फोटोज सर। हैप्पी मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गौतम, ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया? सर, विश्वनाथ मर्डर केस का एक इंपॉर्टेंट क्लू मिला है मुझे। व्हाट? ये लीजिए सर, ये मेरे भाई के पैंट के पॉकेट से मिला। विश्वनाथ की बॉडी के पास मिले हाफ नोट को लेकर आओ। ओके सर। दोनों मैच हो रहे हैं। विश्वनाथ को क्यों मारा?
सर मुझे एक छोटी सी बात बोलनी है आपसे। बोलो। मुझे आपको कुछ देना है। अरे सर छोड़ो ना। सर आपका दिल कितना बड़ा है, मुझे आपको एक तोहफा देना है, आप प्लीज ये रख लीजिए। अब मैं बहुत खुश हूँ सर। थैंक यू सर। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं। सब तो प्यार से दे रहे हो तो। सर सर यहीं पर, सर यहीं पर मुझे उतरना। मैं यहीं से चला जाऊंगा सर। हे हाय ब्रो। हाय। नकली गोल्ड रिंग मैंने उसको पहना दी और उससे पैसे ऐंठ लिए। ये तो आधा कटा हुआ नोट है। कोई नहीं, 4,500 बचे हैं ना, चलो मजे करेंगे। आ जाओ, सबको पार्टी दूंगा। चलो चीयर्स। यार मुझे यहां पर बहुत डर लग रहा है, चलो यहां से निकलते हैं यार। चलो ए, चलो चलकर देखते हैं। अरे नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, कहीं लफड़ा ना हो जाए, चलते हैं ना। వెళ్ళి చూస్తేనే కదరా ఏమైందో తెలిసేది పదా। सर 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 कौन है ये? इसी आदमी ने मुझे पैसे दिए थे यार। क्या? हाँ यार सर, यार ये तो मर चुका है, यहाँ रहे तो पकड़े जाएंगे। चल यार चलते हैं, यहाँ से चल, आ जा। उस रिंग पर तो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं एक मिनट में आता हूँ, बस मैं अभी आया। रिंग रिंग कहाँ चली गई? इसके हाथ में नहीं है। इसी हाथ में तो पहनाई थी मैंने, जब तक किसी ने निकाल ली। ऐसा ही हुआ था सर। जब तू वापस गया था तो विश्वनाथ की उंगली थी लेकिन रिंग नहीं थी, यही ना? सच बता। यस सर। आर यू श्योर? यस सर, आई एम वेरी श्योर। मतलब विश्वनाथ को जिसने मारा उसके मारने के बाद तुम लोग गए, फिर तुम लोगों के वहां से जाने के बाद उसने गन से उंगली को शूट किया और फिंगर लेकर चला गया, तो क्या उसने ये सब उंगली के लिए किया? यस। सॉरी भैया। मम्मी पापा ने मरते वक्त अपने छोटे का ख्याल रखना ऐसा बोला था, इसका मतलब तुझे सिर्फ मुसीबत से बचाना ही मेरा काम नहीं है, तेरी वजह से किसी को बहुत दुख पहुंच रहा है। ये मेरी परवरिश का कारण नहीं बनना चाहिए। आज के वक्त में भी लोगों के पास इंसानियत है, तुमने साबित कर दिया। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग संतोष। गुड मॉर्निंग सर। विश्वनाथ का फोन ट्रेस कर रहे हो ना? यस सर। जिस दिन वो मरा उस दिन लास्ट जीपीएस कहां का ट्रेस हो रहा, जरा देखो। वन सेकेंड सर। उसके घर में ही है सर। विश्वनाथ का फोन करेक्ट 2 मिनट ऑन होके उसके बाद स्विच ऑफ हो गया, एक बार देखो जरा। ओके सर।
यस सर, यू आर राइट। अगर ये फोन दोबारा स्विच ऑन हुआ तो हमें इन्फॉर्म करना। श्योर सर, थैंक्स। घर के चारों तरफ ध्यान से ढूंढो। क्या ढूंढना है सर? विश्वनाथ की फिंगर। सर 100% यहीं कहीं होगी, ध्यान से ढूंढो। ओके सर। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा सर। सर इतना करेक्ट आपको कैसे पता सर? विष्णु, मुझे लगता है हमेशा की तरह ज्योति जब घर से निकलने वाली होगी तो उसने अपने फोन को ढूंढा होगा और उसे फोन नहीं मिला, तभी उसने अपने पति का फोन स्विच ऑफ देखा होगा जो कि चार्जिंग में लगा हुआ था, तब उसने सोचा होगा कि उसका फोन उसका पति ले गया होगा, ये सोचकर ज्योति घर से चली गई। अपना फोन चार्जिंग में लगाकर और बीवी का फोन लेकर विश्वनाथ भूत बंगला में किसी से मिलने गया और वहीं पर विश्वनाथ को गोली मारी गई। विश्वनाथ की बीवी के फोन से फोटो निकालकर मोबाइल में बाप के नाम से सेव किया होगा और भेज दिया होगा। उसने ये फोटोज विश्वनाथ के फादर के पास ही क्यों भेजा? मुझे लगता है किलर ने विश्वनाथ की बीवी के ऊपर केस को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया, उसके बाद विश्वनाथ के घर में जाकर फोन और गन वहां रखा होगा। सिंपल। चार्जिंग में लगे फोन को ऑन करके फिंगर से फोन का लॉक खोलकर उसके कुछ वीडियोस को डिलीट किया होगा और फिर से फोन स्विच ऑफ करके घर में ताला लगाकर फिंगर वहीं फेंक कर वहां से चला गया होगा। विश्वनाथ को जिसने मारा है उसने जानबूझ के केस को ज्योति की तरफ डाइवर्ट किया, मतलब जो सबूत मिले उसके आधार पर हमने ज्योति को अरेस्ट किया। इसका मतलब ज्योति और इस हत्या के बीच में कोई संबंध नहीं है ना सर? इतनी जल्दी नहीं कर सकता विष्णु, हो सकता है इसमें ज्योति शामिल हो। पॉसिबल? यस सर, चांस तो है। विश्वनाथ को जिसने मारा है उस कातिल तक हम पहुंच गए क्या सर? अगर विश्वनाथ के मोबाइल फोन में से कोई वीडियो डिलीट हुआ है तो फिर उसे बहुत ही आसानी से साइबर क्राइम वाले रिकवर कर लेंगे और गुनहगार पकड़ा जाएगा। सुपर सर। गुड मॉर्निंग सर। विष्णु गुड मॉर्निंग, बोलो। सर विश्वनाथ के फोन से डिलीट हुई वीडियो रिकवरी नहीं हो पाई सर। हमारे पास एडवांस सॉफ्टवेयर होते हुए भी अगर रिकवरी नहीं हो पाई तो या तो वो टेक्निकल एक्सपर्ट होगा या फिर उसने किसी की मदद ली होगी। यस सर। ऋषि, ऋषि, बास्केटबॉल खेलने ग्राउंड पर जाने वाले थे ना, रोज अलार्म बजने के पहले ही उठ जाते थे, तो फिर आज क्या हो गया है तुम्हें? ए, इतनी गहरी नींद में हो क्या? ऋषि, 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 नहीं ऋषि।
रात को खाना खाकर सोने से पहले ही मैंने ही दरवाजा बंद किया था सर, और सुबह उठने के बाद दरवाजा भी मैंने ही खोला था सर। जब तक लोग प्यार में रहते हैं हर चीज मीठी लगती है, लेकिन शादी के बाद हर चीज कड़वी। मैं क्यों मारूंगी सर? दरवाजा तो तुमने ही खोला होगा और बंद किया होगा, तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? मम्मी पापा से झगड़ा करके मैंने इससे शादी की, तो मैं अपने प्यार को कैसे मार सकती हूँ सर? ठीक है, रात में क्या क्या हुआ था मुझे बताओ। ऋषि, ये वीकेंड में पीने की परमिशन दी थी, तुम तो पूरे हफ्ते पीने लग गए, क्या है ये सब? सिर्फ मैंने एक पैक पिया है। ओहो, इसलिए फोन स्विच ऑफ करके बैठे थे क्या? सॉरी डियर, मेरा फोन खो गया। फोन खो गया? हाँ। ऋषि, ऋषि, तुम्हारे नंबर से मुझे कॉल आ रहा है। उठो, उठो ना ऋषि, ऋषि। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? उठो ना ऋषि, उठो ऋषि। हेलो। हेलो जी, मुझे आपका ये फोन मिला है। ये फोन मेरे हस्बैंड का है। तो इसे आप अभी आकर ले सकती हैं? इतनी रात गए कैसे आ सकती हूँ? देखिए, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, आप अपना एड्रेस बताइए, मैं खुद लाकर दे दूंगा। हेलो। हेलो, हाँ मैं आ गया हूँ, आपके घर के गेट के पास ही खड़ा हूँ। ओके ओके, मैं आ रही हूँ। This is a pre-planned murder. रात में जिसके साथ तुम्हारे पति ने दारू पी, उसी ने तुम्हारे पति का फोन चुराया और फिर उसी फोन से कॉल करके तुम्हें बाहर बुलाया होगा, और तुम्हारे बाहर जाने और अंदर आने के बीच वो अपना काम करके चला गया। कौन हो सकता है जिसने ऋषि को मारा होगा? तुम्हें किसी पर शक है क्या? तूने जिससे शादी की उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, तो उसने उन लोगों को मार दिया, पर मार डालूंगा कभी न कभी तेरे पति को, मार डालूंगा मैं। ये किसकी आवाज है? ये मेरे एक रिश्तेदार की आवाज है सर, मुझसे शादी करने की जिद करके बैठे हुए हैं। फिर तो पक्का ये काम उसी का लगता है। अपने उस रिश्तेदार को एक बार मेरे सामने फोन करो। हेलो। मेरा ऋषि, वो मुझे छोड़कर चला गया। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, अब बहुत ही जल्दी मेरी भी शादी हो जाएगी। ढिंचक ढिंचक ढिंचक, मैं हैप्पी हो गया, मैं हैप्पी हो गया। प्लीज ऐसा मत कहिए आप। हाँ बोलो। ऋषि को मैंने ही मारा, ऐसा कहकर पुलिस वाले मुझे ही अरेस्ट कर रहे हैं। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। फिर मेरी हर बात मानोगी ना? हाँ जरूर मानूंगी। ठीक है, तो फिर मैं आ रहा हूँ बेल के पेपर्स लेकर। सर, सर ऋषि के हाथ में कोई फोन नंबर लिखा हुआ है सर। जरूर ये कातिल का होगा, मगर यहाँ 7 नंबर ही है सर, बाकी के 3 नंबर मिसिंग है सर।
हो सकता है ये 7 नंबर का कातिल हो या फिर कोई और क्लू हो सकता है सर। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिसिंग 3 नंबर इक्वल टू 1000 नंबर विष्णु। मतलब 1000 नंबर में कातिल का भी नंबर हो सकता है। करेक्ट, मुझे वो 1000 नंबर्स और फिंगरप्रिंट्स चाहिए। ओके सर। मैं जब बोलूं तब बोलना। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम गीता के रिश्तेदार हो ना? हाँ, देखा कैसी इमेज है मेरी है। तुम्हारी आवाज से पहचाना मैंने। क्या बात है सर, तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो। सर गीता बेगुनाह है, गीता का इस हत्या से कोई लेने देना नहीं है सर। अच्छा। हाँ सर। अच्छा एक बार जरा गाना गाओ ना। कौन सा गाना सर? जो उस दिन गाया था भूल गया? अब तो मेरे लिए अच्छा हुआ, अब तो बहुत जल्दी मेरी शादी। रिदम में गाओ, रिदम में गा बे। आप ऐसे मारो तो रिदम कहाँ से आएगी सर? जल्दी बोल, बहुत जल्दी। सर सर नहीं सर सर सर, आप चाहे जितना भी मारो, चाहे जान भी ले लो, लेकिन मैंने ऋषि को बिल्कुल नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो गलती करने वाले की आंखों में दिखता है कि वो गुनहगार है। अगर इसने ऋषि को नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा? विष्णु, इन 1000 नंबर में से ऋषि की जान पहचान में से किसी का नंबर मैच हो रहा है क्या? सर गौतम का नंबर मैच हुआ है सर। रियली? यस सर। रियली? नो विष्णु, वो वैसा लड़का नहीं है। याद है अपने भाई पर शक होने पर उसे पुलिस स्टेशन लेकर आया था? यस सर। गौतम के नंबर के जरिए शायद ऋषि हमें कुछ क्लू देना चाह रहा होगा। पॉसिबल, एक बार उसे पुलिस स्टेशन में बुलाओ। Happy morning, sir. Hi, Gautam. Morning. How are you? I'm pretty good, sir. How are you? Tell me something. किसी ऋषि नाम के आदमी को तुम जानते हो? सर, ऋषि तो मेरा कजिन है सर। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। क्यों सर, क्या बात है? वो अच्छा, ऋषि ने कभी किसी प्रॉब्लम के बारे में तुमसे जिक्र किया? सर, ऋषि को किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी, ऐसा ऋषि ने मुझे एक बार बताया था सर। सर शायद यही बताने के लिए ऋषि मरने से पहले गौतम का नंबर अपने हाथों पे लिखा होगा सर। What? ऋषि मर गया? Yes. किसी ने ऋषि को वार्निंग दी थी, उस वार्निंग के बारे में ऋषि ने तुमसे कुछ बताया था? सर, ऋषि से उसने पैसे उधार लिए थे, वो पैसे अगर वापस मांगे तो उसे जान से मार देगा, ऐसी वार्निंग दी थी। और कौन है वो? सर, उसने कभी उसके बारे में मुझे बताया नहीं सर, लेकिन उसे बात करने के लिए मुझे उसका नंबर दिया था उसने। नंबर है क्या? यही है सर। ये तो सद्दाम का राइट हैंड है, पक्का इसी ने ऋषि को मारा होगा। थैंक यू गौतम। तो ओके सर, इसका फोन स्विच ऑन होते ही इसे लेकर आओ। ओके सर। सर, उसका फोन अभी ऑन हुआ है। जीपीएस कहाँ का शो कर रहा है? जुबली हिल सर। स्क्रीन पे दिखाओ। विष्णु गो अहेड क्विक। यस सर। ए, क्या हुआ? अरे इतने गुस्से में क्यों हो? ऋषि का फोन बंद है, कैसे भी उसे पकड़ना ही होगा। चल कोई भागने ना पाए। निकल। चल भारा। सर, अरे कुछ नहीं किया सर।
सर मेरी बात सुनिए, आखिर बात क्या है सर, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे आप? गाड़ी में बैठ। सर सर बताइए तो आखिर हुआ क्या सर? अंदर। ए, हराम के पैसों से घर बंगला बन सकता है, बाइक कार खरीद सकता है, विदेशों में जाकर अय्याशी कर सकता है, पर जब पुलिस पकड़ती है ना तो चक्की पिसवाती है। ये लॉजिक तुम लोगों की समझ में नहीं आता। बता ऋषि को क्यों मारा? बोल सर। सर हुआ यूं कि उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तू अगर ये सब कर सकता है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे अच्छे से पता है। फोन रख। भाई वो हमको धमकी दे रहा है, अगर हम उसे टपका देते हैं तो लोगों के अंदर हमारा डर कायम हो जाएगा। पर इस वक्त वो हमें कहाँ मिलेगा? उसके फोन का GPS ट्रैक करते हैं। पकड़ो कमीने को। ठीक है चल मुन्ना। ठीक है भाई। वो उसी तरफ आ रहा है, पकड़ना है उसे। क्यों भाई, उसे वहीं पर ही मार डालना था ना? जब जान जाने लगती है तभी गुस्सा प्यार में बदल जाता है। ए, अब तक भाई के पास डॉक्यूमेंट्स आ गए होंगे, फोन करके पता कर। बोल मुन्ना। भाई राजेंद्र ने डॉक्यूमेंट्स भेजे क्या? गुस्सा प्यार में बदल कर जमीन के कागजात अपने आप आ गए। ए, डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब उसकी जान लेंगे तो हमारे मन को शांति और उसकी आत्मा को शांति। ए, चल अब। इस बैग में 10 करोड़ हैं बेटी, इसमें से 5 करोड़ जहां पर मेरी परवरिश हुई और मैं एक पुलिस ऑफिसर बना। बेटी तुम उसी अनाथ आश्रम में दे देना। ठीक है पापा। और बाकी के 5 करोड़ अपने पास रख लेना। खुश रहो बेटा। एक बुलेट बच गई। चल यहां से। चल उधर। सुन तू यहीं पर, कोई आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है ना? ठीक है।
ए, क्या उसने हमें देखा? 50-50 चांसेस है भाई। वो हमारे एरिया में रहता है, उसको चांस नहीं दे सकते। ठीक, चल मेरे साथ। ठीक। सुबह 5 बजे इस बैग को कहीं और रखना होगा। ठीक है। घर पहुंचते ही तू 5 बजे का अलार्म लगा देना। ठीक है भाई। ठीक है ना, चल। ठीक है, चल दिया। एए, बैग कहाँ? बैग कहाँ? कौन ले गया? यहीं पे तो रखा था। कहाँ गया बैग? एए, एए, कौन ले गया बैग? कहाँ गया बैग? कहाँ चला गया बैग? कौन ले गया? कौन ले गया? पता नहीं यार। मेरा बैग, बैग। वही बैग ले गया होगा। कहीं भागे, उससे पहले पकड़ लेते उसे। हाँ चल। मुन्ना, वो देख सामने है। चलो। बैग? हमने जो पैसों का बैग छुपाया था वो तुमने ही लिया है। ज्यादा नाटक मत कर, समझा? वो बैग मैंने नहीं लिया। लेकिन हम तेरी बात पर क्यों यकीन करें? कहा ना, मैंने वो बैग नहीं लिया। अपना फोन दिखा मुझे, फोन दिखा। तुझे एक दिन की मोहलत देता हूँ, इसमें मेरा नंबर है। कल मैं तुझे फोन करूँगा, कल तक बता देना कि तूने बैग कहाँ छुपाया है। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझ गया ना? एक दिन का टाइम दिया था मैंने, एक दिन का। सर, उस दिन मैंने उसे वार्निंग तो दी थी, लेकिन उसे जान से नहीं मारा, यकीन कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ सर। इसका मतलब गौतम को ऋषि ने जो बताया वो सही है। ऋषि की हत्या और विश्वनाथ की हत्या के पीछे कोई लिंक है क्या? ऋषि और विश्वनाथ की हत्या आगे पीछे हुई, लेकिन दोनों की बुलेट्स अलग अलग गन से निकली है। मतलब उन दोनों की हत्या की कहानी ही कुछ अलग है। क्या हो सकती है, पता करना होगा। विष्णु, गीता को अर्जेंट पुलिस स्टेशन में बुलाओ। सर, आपने बुलाया क्या? तुम्हारे फोन में ऑटोमेटिक वॉइस कॉल रिकॉर्डर है ना, राइट? हाँ है सर। तुम्हारे पति का फोन मिला है, ऐसा किसी ने फोन किया था? हाँ सर। वो आवाज मुझे एक बार सुनाओ। ओके सर। हेलो। हेलो जी, मुझे आपका ये फोन मिला है। वो फोन मेरे हस्बैंड का है। तो इसे आप अभी आकर ले सकती हैं? पर इतनी रात का कैसे आ सकती हूँ? देखिए, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, आप अपना एड्रेस बताइए, मैं खुद लाकर दे दूंगा। ओके, थैंक यू। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, एक छोटा सा क्लू मिला है। लेट्स गो विष्णु। हाय। हाय गौतम। मैंने जमीन बेच दी, ये लो पूरे 5 करोड़। नहीं हो रहा है क्या?
गौतम, ये पैसे कहाँ से आए? जमीन बेची है बोला ना मैंने। सच बताओ गौतम, घर से पैसे चोरी करने वाले तुम ही हो ना? प्लीज बताओ गौतम, यही पैसों वाला बैग वकील ने दिया था और तुम अभी वही बैग लेकर आए? तू मेरी अक्ल पर, 10 करोड़ रुपए हाथ में है, 1000 रुपए का बैग लेने के बारे में भी एक बार सोचा नहीं थी? अब सच्चाई जान गई ना मेरे बारे में? ट्विस्ट काफी किया गौतम, तुमने आवाज तो बदल दिया लेकिन अपनी स्टाइल नहीं बदली, वही हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग सर, हैप्पी मॉर्निंग सर, हैप्पी मॉर्निंग सर, हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग के क्लू से ही पकड़े गए तुम गौतम, ऊपर से तो इंसानियत की मिसाल हो लेकिन अंदर से पूरे शैतान। हाय। हाय यार। हाँ, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ यार। हैदराबाद में कब आए? कुछ ही दिन पहले आया। अच्छा, आजकल कर क्या रहे हो भाई? एक प्राइवेट कॉलेज में पीटी का जॉब कर रहा हूँ। ओ ऐसा क्या? चीयर्स। चीयर्स। पता है तुझे मैंने यहाँ क्यों बुलाया है? बताओ ना भाई। ले चले हैं क्या? चोरी की बात पुलिस को पता चलेगी तो पुलिस वाले सीधे आकर पहले हमारा ही घर चेक करेंगे। तो फिर घर भी सेफ नहीं है, अब क्या करें? मेरे पास एक और सीक्रेट लोकेशन है, वहां चलते हैं। Thank you.
तुझे एक दिन की मोहलत देता हूँ, इसमें मेरा नंबर है, कल मैं तुझे फोन करूंगा, कल तक बता देना कि तूने बैग कहाँ छुपाया है, अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझ गया ना? एक दिन का टाइम दिया है तुझे मैंने, एक दिन का। बस यही हुआ भाई। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता? भाई बिल भर दिया, चलो चलते हैं। अरे बिल तूने क्यों भरा? मैं भर देता ना। मैंने बिल भर दिया भाई, चलो ना, चलो। ठीक है। हाँ आराम से। हाँ भाई एक मिनट, मैं लेके आता हूँ, एक मिनट। इसमें पैसे कितने हैं भाई? गिनने का मुझे वक्त ही नहीं मिला भाई। ठीक है, उसका बैग उसको लौटाना है ना, बस इतना ही काम है ना, हो जाएगा भाई। तुम एक काम करना, जैसे ही फोन लगे उसे ये बैग दे देना, मैंने उसका फोन नंबर तुझे दिया है ना? दे दिया भाई। क्या हुआ भाई? अब भाई मेरा फोन मुझे नहीं मिल रहा। क्या फोन नहीं मिल रहा? अच्छा शायद रेस्टोरेंट में भूल गए होंगे भाई, रुको मैं एक बार कॉल करता हूँ। स्विच ऑफ आ रहा है भाई, शायद किसी ने मेरा फोन चुरा लिया है। भाई तू अपना फोन नंबर मुझे दे, वो अगर मेरे घर पर आया तो उसे बता दूंगा पैसे तेरे पास है। 9090300367007। भाई ये पेन चल नहीं रहा है, तू सुबह घर हाँ, पर आ जाना भाई, कुछ भी करके ये बैग उसे दे देना। हाँ ठीक है भाई, मैं देख लूंगा भाई। हाँ आराम से इधर भाई। हेलो। हेलो। हैप्पी मॉर्निंग मैडम, ये आपका फोन मुझे मिला है मैडम। ये फोन मेरे हस्बैंड का है। आप इसे अभी आकर ले सकती हैं क्या? पर इतनी रात को कैसे आ सकती हूँ? देखिए कल मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, आप अपना एड्रेस बताइए, मैं खुद ही लाकर दे देता हूँ। ओके थैंक यू। एड्रेस है? हाँ ओके ओके मैं आ रहा हूँ।
हेलो हेलो हाँ मैं आ गया हूँ, आपके गेट के पास ही खड़ा हूँ। ओके ओके मैं आ रही हूँ। जी ठीक है आ जाइए। मेरे क्लाइंट को बेकार में क्यों मार दिया तुमने? मैं भला क्यों मारूंगा? जरा देख इसे और बता क्यों मारा। 10 करोड़ के बारे में बताऊंगा तो शेयर मांगेगा। बोलना। सर कल ये भूत बंगले के पास ब्लैक मनी व्हाइट में बदल रहा है तो उस ट्रांजैक्शन में मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलने वाला है सर। ओ तो वो कमीशन अकेला चाहता था इसलिए उसे मार डाला। हाँ सर इसलिए मार दिया मैंने। चल अब तो पुलिस स्टेशन। सर 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 चाहो तो पूरा कमीशन आप ही ले लो ना सर। क्यों बे तू मुझे ऑफर दे रहा है, उस कमीशन की वजह से तूने ऋषि को मार डाला, अब गीता का क्या हाल होगा सोचा? सर मैं सारा कमीशन आपको ही दे दूंगा सर, आप गीता को दे दीजिए ना, गीता की जिंदगी संवर जाएगी और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा सर, प्लीज सर। उस कमीशन का पैसा गीता को देने के बाद मैं इसे अरेस्ट करवा दूंगा, अगर गड़बड़ की ना तूने तो। सर वीडियो तो आपके पास ही है ना, अगर गड़बड़ लगी तो वीडियो आप पुलिस को दे दीजिएगा। मुझे आइडिया मत दे, चल। इस टाइम पर आप यहाँ पर क्यों आए हो सर? हेलो वकील साहब। हेलो सर कहाँ पर हैं आप? मैं अभी तक फ्री नहीं हुआ हूँ सर। आप कहाँ हैं बताइए ना, मैं वहाँ आकर साइन ले लूंगा। मैं बहुत दूर हूँ सर। ओ अच्छा। और 2 घंटे में घर आऊंगा सर। ठीक है सर तो फिर मैं घर पर ही आता हूँ। ओके सर बाय सर। मैं ऋषि के घर के पास वेट कर रहा था तभी तुम्हें टेंशन में अंदर जाते देखा, तब मैंने तुम्हें फॉलो किया, तुम ऋषि को मार रहे थे उस वक्त का वीडियो बना लिया। उसके अगले दिन डिंपल के पिताजी की अस्थियां गोदावरी में बहाने के लिए हम राजमंडरी गए। विसर्जन पूजा के लिए पंडित जी ने कितने बजे बुलाया है गौतम? 7 बजे बुलाया है उन्होंने। ओके गुड नाइट। या गुड नाइट। डिंपल फोन को साइलेंट मोड पे रखकर मैं वहां से निकल गया।
ये कौन सा तरीका इतना लेट सर? अभी तक वो लोग आए नहीं क्या? नहीं आए तो ठीक है, एक बार फोन करके पूछ लो कहाँ है। जी ठीक है सर। फोन सर जल्दबाजी में अपना फोन मैं भूल कर आ गया, आप अपना फोन दे सकते हैं सर? हाँ ये ले। अरे यार मेरा फोन भी चार्ज नहीं था इसलिए मैं जल्दबाजी में अपनी बीवी का फोन लेके आ गया। इसी बहाने मैं तेरे फोन के अंदर जो वीडियो है उसे डिलीट करना चाहता था। मेरा समझ के उठा के ले आए। ये लो तुम फोन कर लो। क्या हुआ? स्विच ऑफ आ रहा है सर। हाँ। अब क्या करें? सर वो लोग जरूर आएंगे, हम लोग वेट करते हैं। ठीक है तो मैं टॉयलेट जाके आता हूँ, तुम यहीं वेट करो। ठीक है सर। ठीक है, किसी ने मारा क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो इसकी मौत से मतलब था। इसके बीवी का फोन लाया है, अब इसके बीवी इसमें अच्छे से फंस जाएगी। फोन से मेरा वीडियो डिलीट करने के लिए उसके फिंगर की जरूरत पड़ेगी। उस दिन तो इसी फिंगर से लॉक ओपन किया था, अभी क्यों ओपन नहीं हो रहा है? किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेकर इस वीडियो को डिलीट करवाना हो। प्यारे पतिदेव, प्यार करने का अलग अलग तरीका होता है, मेरे प्यार की समाधि बनाकर Thank you.
मैंने पहले ही प्री प्लान बनाकर राजमंड्री से हैदराबाद की फ्लाइट टिकट बुक करवाई थी। हैदराबाद में मेरा प्लान फिनिश करने के बाद मैं वापस राजमंड्री आ गया और फिर सुबह उनकी अस्थियां पानी में बहाकर हम हैदराबाद वापस आ गए। क्या प्लान बनाया? दुनिया में अच्छे लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे लोगों की एक्टिंग करने वाले लोग हैं, जैसे तुम। यह बात अलग है कि डर की वजह से कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता, ऐसे में लोग एक्टिंग करते रहते हैं। हर इंसान में एक हीरो होता है। वो स्कूल जाने वाले बच्चों को ड्रॉप करता है, भिखारियों को खाने पीने के पैसे देता है, शिकार करने वाले शेर को देखकर उसे गाली देता है, मुसीबत में पड़े लोगों को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, कुछ गलत होता देख सोशल मीडिया पर रिएक्ट भी करता है, और वही इंसान मौका मिलते ही खुद हिरन का शिकार करता है। खुद को हीरो समझ रहे थे तुम, पर मौका मिलते ही अंदर का विलेन बाहर आ गया। झूठ हमेशा खुशी देता है, मगर सच कड़वा होता है। तुमने जिस रास्ते को चुना गलत था। तुमने अगर कुछ अच्छा किया होता तो तुम्हें उससे खुशी होती और तुम समाज के लिए आदर्श बन जाते। डिंपल, माँ बाप अपनी बेटी को प्यार से पालते पोसते हैं और फिर वो लड़की वही माँ बाप का प्यार अपने ससुराल से पाने की इच्छा रखती है और ससुराल में उसे जिस भी हालत में रखे वो रह लेती है, पर वो कभी ये नहीं चाहती कि उसका पति गलत रास्तों से पैसे कमाए। के खिलाफ कंप्लेन करनी है सर। क्या हुआ? अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? गलती करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए सर। गुड। विष्णु। सर। विश्वनाथ को किसने मारा, क्यों मारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक छोटा सा क्लू भी नहीं छोड़ा किलर ने। बहुत शयाना बनकर उसने मर्डर किया है। I got it, Vishnu. Let's go, come on. क्या हुआ सर, यहाँ कैसे? वो कैश बैग कहाँ है? What happened, sir? उसे लेकर आओ। हाँ। वो हमें चाहिए, जल्दी लाओ। हुआ क्या है सर? क्या बात है सर? पूरे 10 करोड़ सारे फेक नोट्स हैं। मतलब सद्दाम ने फेक नोट्स दिए होंगे? शायद, मेबी। जमीन के कागजात देना। ये लो बेटी, तुम्हारे कागजात। कम ऑन, लेट्स मूव। सेल ओपन करो। विश्वनाथ को जो तूने नोट्स दिए थे, ओरिजिनल थे या फेक थे? बता। ओरिजिनल नोट्स ही दिए। झूठ बोलता है, सच बता। सच बता रहा हूं सर, ओरिजिनल नोट्स दिया था सर। अल्लाह कसम। मतलब
सद्दाम के पेट पीछे करेंसी को किसी ने बदल दिया। बहुत ही शातिर तरीके से खेल खेला गया है। वो क्रिमिनल कोई मामूली ब्रेन वाला नहीं है। इतना बड़ा प्लान बनाया है, कौन हो सकता है वो? अरे रुको रुको रुको, आप जो सोच रही वो मैं नहीं हूँ, मैं आपका पति नहीं हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं आपका पति नहीं हूँ बोल रहा हूँ। एक्चुअली बात ये है कि मैं और कितना झूठ बोलोगे तुम? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस बात का आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। मेरी बात मानिए, मैं आपका पति नहीं हूँ। चाहिए तो आप अपने पति से वीडियो कॉल पर बात करके पूछ लीजिए। सच में ये अलग है और तुम अलग हो? अब ये बताओ कि तुम कौन हो? मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं हैदराबाद में लॉयर हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे वंडर्स हैं। उस गांव में किसी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, तो गांव के सभी मर्दों का दवा देकर उन लोगों को बच्चा पैदा करने लायक बनाया, तो मेरे पिताजी पूरे गांव की नजर में भगवान बन गए। मगर एक परिवार को मेरे पिताजी ने खूब दवाई दी, उसके बावजूद उस गांव में राजप्पा और शंकरम्मा को बच्चा नहीं हो पाया था। गांव में सबको बच्चे हो रहे हैं लेकिन आपके नहीं हो रहे, उसकी एक वजह है, राजप्पा के वीर कर्ण में कमियां हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक तरीका है, और इस आर्टिफिशियल तरीके से दूसरे का वीरकरण आपके घर में इंजेक्ट किया तो आपको बच्चा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है सर? होने के चांसेस तो हैं, अगर आपको मंजूर हो तो। चाय लीजिए। सर क्या हो गया? सर क्यों ले जा रहे हैं? तुम्हारे पति ने कत्ल किया है। सर चल रजप्पा के जेल जाने के बाद कुछ ही दिनों में शंकर अम्मा का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सक्सेसफुल हो गया और वो गर्भवती हो गई। थैंक यू डॉक्टर। हमारे भी बच्चे होने के चांसेस हैं, पर इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से मैं भी प्रेग्नेंट हो गई। दोनों को ही लड़के हुए, पिताजी का स्पर्म होने की वजह से दोनों का चेहरा पिताजी के जैसा ही बना। कौन राजप्पा का बेटा है, कौन डॉक्टर का बेटा है, ऐसा लोग देख करके कंफ्यूज हो जाया करते थे। कुछ सालों के बाद राजप्पा जेल की सजा काट के गांव आ गया। क्या बे राजप्पा, जेल से अभी अभी आ रहा है क्या? कुछ भी बोल यार, तू नसीब वाला है। तूने कोई मेहनत भी नहीं की और तेरा बेटा भी पैदा हो गया। पता नहीं आजकल दुनिया में क्या क्या होता है भाई, क्या क्या होता है। क्या बकरा है? इसमें बकने वाली क्या बात है, पूरा गांव जानता है। उस डॉक्टर का बेटा और तेरा बेटा बिल्कुल ज़ेरॉक्स कॉपी है। अबे इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? वो तेरा बेटा नहीं, उस डॉक्टर का बेटा है। चल जा बे। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है? स्कूल में सब मुझे डॉक्टर का बेटा बोलकर चिढ़ा रहे हैं माँ। क्या मैं डॉक्टर का बेटा हूँ माँ? तुम्हारी पैदाइश डॉक्टर की वजह से ही हुई है। hey! उस दिन डॉक्टर ने झूठ बोला था ना? गांव वाले जो बोल रहे हैं वो सच है ना? मुझे जेल भेज कर तुम और वो डॉक्टर, कौन है तेरा पापा? कितनी गिरवी औरत है तू, बच्चलन है तू। पापा प्लीज छोड़ दो, मां को दूर हो जाएगा। Thank you.
उस दिन डॉक्टर ने झूठ बोला था ना, गांव वाले जो बोल रहे हैं वो सच है ना, मुझे जेल भेजकर तुम और उस डॉक्टर ने, तुम्हारी पैदाइश डॉक्टर की वजह से ही हुई है। ये क्या उस राजप्पा के बेटे ने मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को मार डाला। दुनिया को ये बोलकर के अपने माँ बाप को मैंने ही मारा, उस वजह से मुझ पर केस हुआ और मुझे जेल जाना पड़ गया। मैं जेल से बाहर आने के बाद उसी के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूँ। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी सच्चाई का पता चला मुझे। आपके बारे में मुझे सब पता है, आप दोनों के बीच के झगड़े को जानता हूँ, मामला तलाक तक पहुँच गया ये भी जानता हूँ, और उसी के डर से आप यहाँ रह रही हैं ये भी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। ऐसे इंसान को तो इस दुनिया में जीने का हक ही नहीं है। इसके लिए आपसे मुझे हेल्प चाहिए। तो मुझे क्या करना है बताओ। वेरी सिंपल, आप उसके साथ क्लोज रहिए और तलाक विड्रॉ करिए, इस बात का उसे यकीन दिलवा दीजिए। समझ गई? तो जब मैं आपको बताऊं उसी वक्त उसी जगह पर मेरे दिए हुए कपड़े पहनाकर आप उसे वहां ले आइएगा। हेलो, पहचाना मुझे मिस्टर विश्वनाथ, सन ऑफ राजप्पा। उस दिन मेरे ही सामने मेरे माँ बाप को मार के तुमने मेरी आइडेंटिटी चुरा ली थी ना। और अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी आइडेंटिटी चुराकर उसे अपने नाम कर लूंगा। हैप्पी जर्नी। अब पुलिस और सोसाइटी की नजर में लॉयर विश्वनाथ मर चुका है। मैं अभिराम, मैंने अपनी आइडेंटिटी तो ले ली, अब आप अपनी मर्जी से तलाक पे साइन करके अपनी जिंदगी खुशी से जी लीजिए। थैंक यू सर, बाय बाय। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट प्लान। वैसे ये प्लान हम दोनों का ही है, राइट? मेरे थ्रू तुमने सद्दाम को सब बताया और राजेंद्र की जमीन पर कब्जा करवाया। तो फिर राजेंद्र को टारगेट क्यों किया तुमने? पापा, पापा, उठे पापा, माँ, पापा, सर, 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 वो राजप्पा का बेटा मेरे माँ बाप को मारकर भाग गया सर, उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, वो अभी भी भागा है सर। हाँ, वहाँ दो लोगों को मारा, यहाँ दो लोगों को मारा, मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बिल्कुल सही है। कम ऑन, मूव। Hey, सर, कहाँ जा रहा है? सर, सर, सर,
बता बताओ उन्हें क्यों मारा, बता कुछ नहीं किया सर, सच सच बता मुझे। मैं राजप्पा का बेटा नहीं उस डॉक्टर के बेटा हूँ, ये कहने के बावजूद भी राजेंद्र ने मेरी बात नहीं सुनी। प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद उसने ठीक से इंक्वायरी नहीं की। अगर उसने ठीक से इंक्वायरी की होती तो मेरे माँ बाप को मारने की सजा उसे मिलती। तभी सभी की नजर में मैं राजप्पा का बेटा बन गया। सिर्फ उस राजेंद्र की वजह से। राजेंद्र की लापरवाही ही उसके मौत का कारण बनी। अभिराम हत्या केस में गौतम को क्यों फंसाया? उससे मैं क्यों फंसाऊंगा? ऋषि को मारा है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। ऋषि को क्यों मारा उससे पूछा तो उस ट्रांजैक्शन से मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलने वाला है सर। उसने मुझसे झूठ बोला कि उसने कमीशन के लिए मारा। मुझे ये पता था कि एक्चुअली भूत बंगले में आकर मुझे मारकर मेरे फोन पे वीडियो को डिलीट करने का प्लान उसने बनाया था, इसलिए मैं अपनी बीवी का फोन लेकर गया। छी, मेरे फोन पे चार्ज नहीं था तो मैं जल्दबाजी में बीवी का फोन लिया। उसी वक्त पर भूत बंगले के पास विश्वनाथ को बुलाकर टॉयलेट जा रहा हूँ गौतम को ऐसा बोलकर मैंने वहां जाकर विश्वनाथ को मारा। मैं ही मर गया हूँ ये सोचकर इस केस में मेरी बीवी को फंसाने के लिए उस फोन से फोटो निकालकर मैंने मेरे बाप को भेजी थी। गौतम की जेब से उसका आईडी प्रूफ निकालकर मैंने मेरा आईडी प्रूफ डाल दिया और चाबी उसकी जेब में रख दी। जब गौतम फिंगर के लिए उसे शूट कर रहा था तब मैंने उसकी फोटो निकाल के पुलिस को भेजी। ये बात गौतम को नहीं पता। फोटोज को देखकर मैं मर गया हूँ ये सोचकर मेरा बाप बहुत रोया। तुम्हारे माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे ना, फिर ये रामालू कौन है? रामालू जेल में नौकरी करता था, मुझे अडॉप्ट करके मुझे पढ़ा के लॉयर बनाया, इसलिए वो मेरे लिए बाप समान है। बेटा बेटा, ये लड़की हमें धोखा दे रही है। क्या किया इसने? हमारे 10 करोड़ में से 10,000 इसने ले लिया। आपने कभी 10 करोड़ गिने हैं क्या? उस दिन के फुटेज को प्ले करो। हाँ ये जूम। दो लोगों ने एक ही प्लान को एक ही टाइम पर अंजाम दिया है, वो है प्लान बी। गौतम ट्रेन से राजमंडली जाकर हैदराबाद फ्लाइट से आकर विश्वनाथ को मारकर उसकी लवर से शादी करके चुराए हुए 10 करोड़ के साथ खुशी से जीना चाहता था। वो फेक नोट से ये जाने भी ना। विश्वनाथ मुंबई की फ्लाइट से आकर उसी दिन शाम को बस से हैदराबाद वापस आया। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। उस प्लान के बारे में जल्दी इंक्वायरी करो सर। राइट, वो प्लान क्या हो सकता है? Money,
money, money, money, money. Anta nene, 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 nani. Nene, leka, karam, agi pore nani. Ye jeevitam, ye malupu tiruguno. Ye jeevanam, ye tarikiche chuno.